पुस्तक व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के लक्ष्यों एवं
उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखी जानी चाहिए। पुस्तकों में जिस टाइप का प्रयोग हो वह बालकों की आयु के अनुसार ही हो, जिसे पढ़ या उसकी आंखों पर बल न पड़े, ठीक है। और छपाई कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। अरे जो छोटे कक्षे के बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए थोड़े से बड़े बड़े अक्षरों में छपाई होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, और अक्षर थोड़े बड़े होने चाहिए, जिससे कि बच्चा उसको आराम से पढ़ सके, उसके आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। पाठ्यपुस्तक की भूमिका ऐसी होनी चाहिए जिससे पाठ गठन एवं पुस्तक के मुख्य गुणों को समझा जा सके। तो पाठ्यपुस्तक एक ऐसी चीज होती है जिसको हमें कुछ भी अगर चीज हमें समझने के आती ना, तो हम सबसे पहले अपने किसकी तरफ भागते हैं, किताबों की तरफ भागते हैं। अगर शिक्षक को भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो भी किताबों को ही देखते हैं, और विद्यार्थी भी किताबों को ही देखता है। किताबें पाठ्यपुस्तक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है शिक्षण कार्य के लिए, शिक्षण कार्य करने के लिए और करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अधिक रोल निभाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी पाठ्य सॉरी पुस्तकों के गुण, अब है पुस्तकों की उपयोगिता। वीकली होती है जो हर सप्ताह में छपती है, और कोई मंथली होती है, तो कोई पर ईयर होती है, और कुछ एक आफ्टर सिक्स मंथ होती है। मतलब जो पत्रिकाएं होती है ना, वो कुछ एक तो छपती है हर एक हफ्ते में, कुछ एक छपती है एक महीने में, कुछ छपती है छः महीने में, और कुछ एक छपती है एक साल में एक मंथ, ठीक है। तो पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, न्यूज़ पेपर, मैगजीन्स है ना, और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है शिक्षण अध्ययन में। ये भी हमारे लिए सहायक सामग्री से कम नहीं है। पत्र पत्रिकाओं का भी व्यवसाय अध्ययन में शिक्षण में विशेष महत्व है। पत्र पत्रिकाओं के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये पत्र पत्रिका शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कई बार हमें इन पत्र पत्रिकाओं में हमारे विषय वस्तु से संबंधित हमें सूचनाएँ और तथ्य मिल जाते हैं, जो कि हमारे शिक्षण कार्य को और अधिक रुचिकर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु होता है वो हमें सरलता से समझ में आ जाता है, कि किसकी जो विषय और इसकी जो भाषा होती है वो एकदम सरल होती है, क्योंकि सभी सामान्य लोग इन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, इसीलिए इसकी भाषा कैसी होती है, सरल होती है, बोधगम्य
बाजार की स्थिति एवं अग्रिम स्थिति की भी जानकारी प्रदान करती है। ये न केवल राष्ट्रीय स्तर पर हमें आर्थिक एवं व्यापारिक नीति की जानकारी प्रदान करती है, अपितु अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति एवं अनुसंधान में भी परिचित कराती है। पत्र पत्रिकाओं का रोल न केवल राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से पत्र पत्रिकाएं हमारे राष्ट्र से जोड़ती है, उसी प्रकार से पत्र पत्रिकाएं हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जोड़ती है। आज हर एक क्षेत्र की पत्र पत्रिका उपलब्ध है, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में देख लो, आर्थिक क्षेत्र में देख लो, धार्मिक जीवन में देख लो, है ना, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, विद्यालय से संबंधित, कॉलेज से संबंधित, तो प्रत्येक स्तर के लिए, प्रत्येक फील्ड के लिए अलग अलग पत्र पत्रिकाएं आती है और उसमें अलग अलग विषय वस्तु समाहित होती है। ठीक है, यदि हमें आज की क्लास तो हमने देखा तो व्यवसाय अध्ययन का शिक्षण में जो हमारे परंपरागत सहायक सामग्री चलती थी उसके अंदर हमने की मदद में सहायक सामग्री देखती है, शाम पर पुस्तक और पत्र पत्रिका, ये तीनों की तीनों पूरी हो चुकी है। अब हम कर देखेंगे सर्वदर्शी सहायक सामग्री।